यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। एक परीक्षा केंद्र पर 800 से ज्यादा परीक्षार्थी नहीं होंगे। किसी भी केंद्र पर न्यूनतम 150 परीक्षार्थी होंगे। डीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति एक सूची तैयार करेगी। 9 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति इस सूची तैयार करेगी। एक परीक्षा केंद्र पर 800 से ज्यादा परीक्षार्थी नहीं होंगे। किसी भी केंद्र पर न्यूनतम 150 परीक्षार्थी होंगे। डीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति एक सूची तैयार करेगी। 9 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति इस सूची तैयार करेगी। एक परीक्षा केंद्र पर 800 से ज्यादा परीक्षार्थी नहीं होंगे। किसी भी केंद्र पर न्यूनतम 150 परीक्षार्थी होंगे। डीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति एक सूची तैयार करेगी। 9 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति इस सूची तैयार करेगी।